भारत के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन ही गए, अब क्या अमेरिका की बारी है? मुकाबला तो वैसे बाइडेन और ट्रंप के बीच देखा है, लेकिन आपको बता दे चलूं कि इसी बीच तीन भारतीय नाम भी हैं जो दावा ठोक रहे हैं। कौन है ये लोग, आइए जानते हैं। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अभी से मुकाबला हम देख सकते हैं। हालांकि इसी बीच कुछ भारतीय अमेरिकी नेताओं के नाम भी इस पद के लिए सामने आ रहे हैं जो ट्रंप को पछाड़ना चाह रहे हैं। बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विवेक रामस्वामी, निकी हेली और हर्षवर्धन सिंह चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ट्रंप तमाम कानूनी चुनौतियों के बावजूद 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे हैं। रिपब्लिकन अपनी पार्टी के अगले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को औपचारिक रूप से चुनने के लिए अगले साल जुलाई में एक राष्ट्रीय सम्मेलन करेगा। ये सम्मेलन विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी शहर में 15 से 18 जुलाई तक होगा। मगर कौन है ये तीन शख्स जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं? पहली, निकी हेली। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निकी हेली दक्षिण कैरोलिना की दो बार की गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत यानी कि एम्बेसडर रह चुकी हैं। निकी हेली लगातार तीन चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी हैं। इससे पहले बॉबी जिंदल साल 2016 में और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में शामिल हो चुकी हैं। भले ही अधिकांश सर्वे में 51 साल की हेली का प्रदर्शन कम बताया हो, लेकिन अगर डोनेशन की बात की जाए तो उन्होंने कई मिलियन डॉलर जुटाए हैं। हेली का समर्थन करने वाले सुपर पीएसी स्टैंड फॉर अमेरिका फंड इंक ने अप्रैल से जून तक 18.7 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे उनकी कुल राशि 26 मिलियन डॉलर हो गई। इतना ही नहीं, हेली को अरबपति केनेथ लेंगोन, एलिस वॉल्टन और केनेथ फिशर सहित कुछ अमीर जीओपी दानदाताओं से भी समर्थन मिला है। इन लोगों ने $6,600 का दान दिया है। हेली का जन्म सिख माता पिता अजीत सिंह रंधावा और राज कौर रंधावा के घर हुआ था, जो 1960 के दशक में पंजाब से कनाडा और फिर अमेरिका चले गए थे। 29 साल की उम्र में जब उन्होंने जनवरी 2011 में पदभार ग्रहण किया, तब वो अमेरिका की सबसे कम उम्र की गवर्नर रहीं और उन्होंने दक्षिण कैरोलिना को पहली बार महिला गवर्नर के रूप में इतिहास रच दिया। वो राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी गवर्नर थीं और दो कार्यकाल तक उन्होंने इस पद पर सेवा की। जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 29वें अमेरिकी राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। अब आ जाते हैं विवेक रामस्वामी पर। तो भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर विवेक रामस्वामी साल 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए खुद की उम्मीदवारी की घोषणा फरवरी में ही कर चुके हैं। उन्होंने एक बाहरी के रूप में, आउटसाइडर के रूप में रिपब्लिकन में प्रवेश किया था, लेकिन अब वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर विवेक रामस्वामी को रिपब्लिकन पार्टी के 9% नेताओं का समर्थन मिला है। वहीं ट्रंप को 47% मिला है, जो डिसेंटिस के 19% से काफी ऊपर है। रामस्वामी का जन्म अमेरिका के ओहायो के सिनसिनाटी में हुआ था। उनके माता पिता केरल के पलक्कड़ से अमेरिका गए थे। उनके पिता का नाम गणपति रामस्वामी है, जो पेशे से इंजीनियर थे। उनकी माँ गीता रामस्वामी पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट थी। विवेक की पत्नी अपूर्वा तिवारी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वेक्सनर मेडिकल सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर और सर्जन हैं। 37 साल के रामस्वामी ने दवाओं को लेकर चीन पर निर्भरता समाप्त करने के वादे के साथ राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़े हुए हैं। अगर उनकी कमाई की बात करें तो उन्होंने दूसरी तिमाही में $7.7 मिलियन कमाए, जिसमें उनके खुद $5.4 मिलियन शामिल थे। चुनावी अभियान शुरू होने के बाद उन्होंने अभी तक अपने $16 मिलियन लगा दिए हैं। आ जाते हैं हर्षवर्धन सिंह पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में भारतवंशी हर्षवर्धन सिंह भी शामिल हो गए हैं। Today I am here to announce my intention to seek the Republican nomination for President of the United States. My name is Hirsch Singh, a lifelong Republican and an America First constitutional carry and pro-life conservative. Aerospace engineer Harshvardhan ne ek video mein kaha ki jeevan bhar wo Republican rahe hain. Unhone hamesha hi America First ki neeti ke तहत काम किया है। वो रूढ़िवादी हैं यानी कि ऑर्थोडॉक्स हैं। सिंह ने रिपब्लिकन पार्टी के लिए न्यू जर्सी में रूढ़िवादी विंग को बहाल करने के लिए काम किया है। टेक और फार्मा कंपनियों के भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी स्वतंत्रता पर लगातार हमला किया जा रहा है।
वीडियो में सिंह ने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में काफी बदलाव हुए हैं, इसलिए परिवर्तनों को पलटने और अमेरिकी मूल्यों को स्थापित करने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। इस वजह से मैंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से नामांकन भरने का फैसला किया है। बता दें, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सहित करीब एक दर्जन दावेदार हैं। सिंह ने खुद को राष्ट्रपति पद के लिए एकमात्र शुद्ध उम्मीदवार बताया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोविड टीकाकरण नहीं कराया है। Today, I'm the only pure-blood candidate for president because I never gave in to the COVID vaccinations. खबर में कहा गया है कि सिंह 2017 से 21 में न्यू जर्सी के गवर्नर के लिए, 2018 में प्रतिनिधि सभा की सीट के लिए और 2020 में सेनेट के लिए रिपब्लिकन प्राइमरी में मुकाबले में शामिल रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन पाने में वो असफल रहे। तो ये हैं वो तीन इंडियन ओरिजिन के लोग जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। और देखें भी क्यों ना, जब अंग्रेजों के देश में भारतीय प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो फिर यहाँ क्यों नहीं। देखना होगा कि अगले साल का अमेरिकी चुनाव इन नेताओं के लिए क्या फ्यूचर लाता है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।